हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उड़ीसा स्कूल टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर कैसे लॉगिन करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आपको बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर आया हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है osepa odisha.gov.in, ये है इसका फुल वेबसाइट osepa.odisha.gov.in। तो डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ओसेपा। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह का कुछ पेज आएगा जो ऑफिशियल होम पेज है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं उड़ीसा स्कूल टीचर्स ट्रांसफ़र पोर्टल वाला आइकन जो है, यहाँ पे लिंक जो है क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक पेज नज़र आ जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्टर ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो लिंक है ये खुल चुका है, पहले ये खुल नहीं रहा था। प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ सबसे पहले आपको अपना टीचर कैडर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, एलिमेंट्री या सेकेंडरी। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप सेकेंडरी अगर आपका है तो सेकेंडरी सिलेक्ट कर रहे हैं। उड़ीसा ऑटोमेटिकली आ चुका है क्योंकि ये ओसेपा का उड़ीसा का ही वेबसाइट है। और उसके बाद में सेकेंड में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट पे आप प्रेजेंट में हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जिस ब्लॉक में अभी हैं आप। उसके बाद में ब्लॉक सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको अपना स्कूल सिलेक्ट कर लेना है, जिस स्कूल में आप प्रेजेंट हैं अभी। उसके बाद में आप अपना नाम टीचर की लिस्ट से उसमें देखकर अपना नाम सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों जो यहाँ पे कैप्चर कोड है, जो नंबर है, नंबर आपको यहाँ पे नीचे डायल करना है। उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक कर देने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का। वो OTP आप यहाँ टाइप कर लें। लिख देने के बाद में आपको दोबारा वेरीफाई वाला जो बटन है इसमें क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई होने के बाद में आपका टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर अकाउंट खुल चुका है। उसके बाद में आप लॉगिन करके अपना जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। आपको कहाँ जाना है, आपको किस कैटेगरी में जाना है, वो सब डिटेल सब भर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपका ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया होगा।